दोस्तों कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। भारतीय टीम ने कीवी टीम पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस दिया है। आज तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपने शानदार गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों की खटिया खड़ी कर दी और उनका 151 रनों का ओपनिंग साझेदारी भी कुछ काम नहीं आया, क्योंकि अंत में भारतीय गेंदबाजों का ऐसा तूफान आया जिसमें पूरी कीवी टीम उड़ गई। दोस्तों आपको बताएंगे आज तीसरे दिन के खेल का पूरा वीडियो, साथ ही बताएंगे कैसे भारतीय गेंदबाजों ने कीवी टीम की शानदार शुरुआत के बावजूद उन्हें सस्ते में निपटा दिया, बताएंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में हरा पाएगी, अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। टॉस जीतकर जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और पहले दिन शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर का बल्ला जमकर चला और भारतीय टीम ने पूरे दिन बल्लेबाजी की। फिर दूसरे दिन रविंद्र जडेजा अपने स्कोर में एक भी रन नहीं जोड़ पाए और टीम साउदी की गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कीवी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और अपने पहले ही मैच में शानदार शतक ठोककर इतिहास रच दिया। हालांकि अय्यर अपने शतकीय पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए और 105 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अय्यर के बाद अश्विन ने भी जुझारू पारी खेलते हुए 38 रनों का योगदान अपने बल्ले से दिए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम दूसरे दिन लंच तक बल्लेबाजी करी और 345 रन बना पाई। वही दोस्तों न्यूजीलैंड ने भी अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करी, उसके दोनों ओपनर टॉम लेथम और विल यंग ने दूसरे दिन शतकीय साझेदारी करके न्यूजीलैंड को एक मजबूत शुरुआत दी। दूसरे दिन भारत की खराब गेंदबाजी का असर न्यूजीलैंड के रन स्कोर पर दिखा, दोनों ओपनर ने 129 रनों की साझेदारी कर डाली। लेकिन दोस्तों आज तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय टीम की वापसी कराई। आज दोनों कीवी बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चाह रहे थे, लेकिन अश्विन ने इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और 151 रनों के बाद भारत को पहली सफलता दिलाई। विलियम जो शतक के करीब पहुंच चुके थे, उन्हें अश्विन ने विकेटकीपर श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करवाया और विलियम को 89 रनों पर पवेलियन भेजा। दोस्तों पहला विकेट मिलने के बाद भारतीय गेंदबाजों में ऐसा जोश आया कि कीवी टीम पूरी तरह से उड़ गई। विलियमसन टॉम लेथम के साथ न्यूजीलैंड को बड़ी बढ़त दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लंच से ठीक पहले कप्तान विलियमसन को उमेश यादव ने LBW आउट कर 197 रनों पर दूसरी सफलता दिलाई। फिर दोस्तों लंच के बाद अक्षर पटेल ने जमकर तबाही मचाई, पहले रॉस टेलर विकेट के पीछे कैच करवा कर भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद बड़ा विकेट टॉम लेथम का लिया, जिन्होंने 95 रनों की बड़ी पारी खेल चुके थे और शतक से सिर्फ 5 रन चूक गए। दोस्तों लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने एक घंटे में ही न्यूजीलैंड के 4 विकेट महज 13 रनों पर चटका कर न्यूजीलैंड की होश उड़ा दिए। ओपनर के अलावा किसी भी बल्लेबाज को आंख उठाने नहीं दिया। दोस्तों अक्षर का तूफान यहीं पर नहीं रुका, इसके बाद भी उन्होंने टॉम बुलेंडन और टीम साउदी को बोल्ड करके पहली बार टेस्ट मैच में 5 विकेट अपने नाम किया और 151 रनों पर एक भी विकेट नहीं खोने वाली कीवी टीम 270 रनों पर 8 विकेट गंवा दी। दोस्तों अक्षर की घातक गेंदबाजी की वजह से ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर बनाने से रोक पाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 296 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 49 रनों से लीड लेने में कामयाब हो गई। दोस्तों अक्षर के बाद अश्विन ने भी शानदार गेंदबाजी और 3 विकेट लिए।